हमको क्या मूर्ति पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो हमें यह समझनी है कि भला मूर्ति पूजा क्या होती है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा चौराहों के ऊपर किसी नेताजी का बुत बनाया जाता है, उनको हार पहनाया जाता है और बोला जाता है आज से इस चौक का नाम है नेताजी चौक। और फिर जब सब वहां से चले जाते हैं तो कबूतर आता है, उस नेताजी के ऊपर बैठता है, अपना काम करता है और उड़ के चला जाता है। तो इस प्रकार की मूर्तियों की पूजा करना मूर्ति पूजा है और ये गलत है। अक्सर आप देखा होगा कि चौराहे के ऊपर शनि महाराज का ऐसे टीन से काट करके इमेज बनाते हैं, कहते जय शनि महाराज, जय शनि महाराज। उसके लोग जो है सिक्के डालते हैं ताकि शनि महाराज का प्रकोप उन पे कम हो जाए। तो इस प्रकार के टीन के इमेज काट करके पैसे हासिल करना ये भी मूर्ति पूजा है और ये भी गलत है। इस प्रकार से तांत्रिक वश खौफनाक मूर्तियां बनाना और फिर कंकालों के साथ, जानवरों के खून के साथ, जय काली कलकत्ते वाली तेरे वचन जय खाली फू, इस प्रकार की पूजा अर्चना करना ये भी मूर्ति पूजा है और ये भी गलत है। साथ ही किसी फिल्म स्टार को पूजना, जैसे आज अमिताभ बच्चन के मंदिर भी हैं, साथ ही जयललिता के मंदिर भी हैं, करुणा नदी के मंदिर भी हैं, सचिन तेंदुलकर के मंदिर भी हैं। इफ क्रिकेट इज रिलीजन, सचिन तेंदुलकर इज गॉड। तो इस प्रकार से संसार में भले ही कोई कितने महान हो लेकिन पूजा अर्चना तो वास्तव में भगवान की होनी चाहिए। लेकिन जब इस प्रकार के मंदिर होते हैं जहां इंसानों की पूजा की जाती है तो ये भी मूर्ति पूजा है और ये भी गलत है। तो मूर्ति पूजा करना सही है कि गलत है? पहले मूर्ति पूजा करना गलत है। अच्छा तो फिर ये क्या कर रहे हैं फिर यहाँ पर? ये मूर्ति पूजा नहीं है क्या? वेल, ये मूर्ति पूजा में काउंट नहीं होता, इसको बोलते हैं विग्रह सेवा। तो मूर्ति पूजा और विग्रह सेवा इन दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर होता भला? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक कागज का टुकड़ा हो, आप मुझे बताइए आपको दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा? आपको दर्द हो रहा है? नहीं हो रहा? अच्छा, एक 2000 रुपये का नोट दे जरा, अब आपको दर्द होगा ना? क्या आप 2000 रुपये के नोट का भी यही हाल करने वाले? देखिए जी, वो कागज का टुकड़ा नहीं है, वो RBI से गुजर गया है, वो तो ना वो कागज का टुकड़ा नहीं रहा। हाँ, जब एक कागज का टुकड़ा जब जिस तरह से RBI से गुजर जाता है तो वो कागज का टुकड़ा नहीं कहलाता, वो करेंसी नोट कहलाता है। उसी प्रकार से जब भगवान के विग्रह बनाए जाते हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, RBI से गुजर गए भाई, तो फिर अब यहाँ पर भी सिर्फ मूर्ति नहीं है, अब यहाँ पर है विग्रह। तो इसीलिए आपने कुछ मूवीज में देखा होगा कि PK और कांजी भाई को थोड़ी कंफ्यूजन हो गई कि ये तो मूर्ति पूजा हमको नहीं करनी चाहिए। हाँ, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन कांजी भाई और PK ने ना वो विग्रह सेवा कहीं देखी नहीं थी। तो एक रॉन्ग मैनेजमेंट का रॉन्ग एग्जाम्पल लेकर के, रॉन्ग कंसेप्शन लेकर के, रॉन्ग आइडियाज को प्रोपोगेट कर दिया PK और कांजी भाई ने। तो इसीलिए भगवान की विग्रह सेवा करना ये 100% और परफेक्टली फाइन है। और आप देखेंगे जिन जगहों पर भगवान की मूर्ति पूजा खंडन किया जाता है, या कुछ लोग हैं जो कि खुदा की बात करने वाले हैं, या कुछ लोग हैं जिनके मसीहा ने अपने आप को सूली पर चढ़ा दिया, उनके गुनाहों का के तौर पे अपने आप को बलिदान दिया, लेकिन ये सब के सब कहीं ना कहीं मूर्ति पूजा करते हैं, चाहे उनके मसीहा की करें या अपने खुदा की मज़ारों में करें, लेकिन ये सब के सब वास्तव में कहीं ना कहीं मूर्ति पूजा तो करते हैं। तो ये भगवान की दया होती है कि भगवान इन आँखों से भी हमको दिखते हैं इस विशेष अवतार में, इसको बोलते हैं विग्रह अवतार। हालांकि कुछ लोग ये मानना है कि भगवान तो सब और हैं, आप क्या इन पत्थरों की मूर्तियों के अंदर भगवान को ढूंढ रहे हो? तो क्या ये पत्थर की मूर्ति और भगवान सब और है? हाँ, कोर्स भगवान तो सब और है, लेकिन भगवान के साथ कनेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे हम? भगवान से हम कनेक्ट कर पाते हैं उनके इस विशेष अवतार के माध्यम से, विग्रह अवतार। उस तरह से भगवान भी सब और हैं, लेकिन उनके साथ हमारे लविंग एक्सचेंजेस कैसे होंगे, उनके प्रति ऑफरिंग्स कैसे होंगी, उनको हम इन भौतिक आंखों से भी कैसे देख पाएंगे? वेल, उसके लिए हैं विग्रह अवतार। तो ठाकुर जी यहाँ पर उपस्थित होते हैं विग्रह रूप में। तो इसीलिए ये नहीं समझना चाहिए कि जो है ये मूर्तियां हैं, पता नहीं भगवान होंगे नहीं होंगे, ये तो वहाँ खड़े रहते हैं, कभी चलते फिरते भी नहीं है। हो सकता आपको नजर ना आते हो चलते फिरते, लेकिन जो भगवान के बड़े आत्मीय भक्त होते हैं उनके साथ तो उठते भी हैं, बैठते भी हैं, बातें भी करते हैं। पर क्या हम उसके लिए तैयार हैं कि नहीं है? क्या हमको ट्रेनिंग मिली हुई है कि नहीं है? ये हमें अपने आप से पूछना चाहिए। कुछ लोगों को मानना है कि ना ऐसे इनकी वो दूध चढ़ाया जाता है, वो तो गरीबों को पिला दो, ये करना चाहिए हमें, नहीं तो अदरवाइज वो नाली में चला जाता है सब कुछ। नाली में नहीं जाता, जब भगवान का अभिषेक होता है तो चरणामृत के तौर पे गरीबों में, अमीरों में, बड़ों में, बूढ़ों में, बच्चों में, सब में बांटा जाता है वो चरणामृत। तो इसीलिए वो वेस्ट नहीं होता। तो इसीलिए हमने मूवी के अंदर एक रॉन्ग एग्जांपल देख करके रॉन्ग कंसेप्शन डेवलप कर ली कि वेल मूर्ति पूजा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अरे ठाकुर जी की पूजा जो है ये विग्रह सेवा कहलाती है, इट इज मच मच अबव देन मूर्ति पूजा। तो इसीलिए भगवान के मंदिर में आकर के भगवान के दर्शन करना, ये इंस्पिरेशन लेना, ये वास्तव में हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक बहुत ही टेंजिबल प्रूफ है कि बहुत ही स्पेशल है भगवान के जो दर्शन है, वो ये है
कि हालांकि म्यूजियम के अंदर कई मूर्तियां हैं मोहनजोदड़ो की, हड़प्पा संस्कृति की, लेकिन वहां पर कोई सुबह सुबह 4:30 बजे नहीं पहुंचा होता। लेकिन यहां पर भगवान के पास सुबह सुबह 4:30 बजे आपके जैसे लोग नहा धो करके आते हैं और यहाँ पर दर्शन करते हैं और इनके आगे खड़े होकर के आंसू भी बहा देते हैं। लेकिन मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति किसी मूर्ति के आगे खड़े होकर के किसी ने कभी आंसू नहीं बहाए, क्योंकि वहां पर तो सिर्फ स्टैचूज हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। लेकिन स्टैचू ऑफ लिबर्टी को कोई लिबर्टी नहीं है कि वो स्टैटन आइलैंड के बाहर जा सके, बिकॉज इट इज जस्ट अ स्टैचू। बट हियर इट इज नॉट अ स्टैचू, नॉट अ डॉल, बट द लॉर्ड हिमसेल्फ। तो इसीलिए इसको मूर्ति पूजा नहीं बोलते, इसको विग्रह सेवा बोलते हैं। और ये करके हम अब भगवान के साथ अपनी आत्मीयता बढ़ाते हैं, अपना संबंध बढ़ाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।